ये देख लो दोस्तों क्या हालत बना रखी है अपनी। हमारे इंडिया में कितने सारे ऐसे लोग हैं जो सड़कों पे यूं ही अब भूख प्यास से कब इसके दम निकल जाए या कब मर जाए और कब ये एक लावारिस लाश बन के किसी गवर्नमेंट शवगृह में पड़ा हो कोई नहीं जानता, और कहीं दूर इसके अपने वेट कर रहे होंगे इसके वापस लौटने का। और इन लोगों की रोज़ की कहानी है। मुझे लगता है गवर्नमेंट इस बारे में कुछ कर सकती हैं और हमारे जैसे प्राइवेट यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेजेस क्या कर सकते हैं दोस्तों। हेलो, दोस्त, हेलो हेलो भाई साहब, खाना खाओगे आप? पानी चाहिए, पानी एक बार पानी पियोगे दोस्त? तो दोस्तों आप देख सकते हैं दिल्ली का एक चालू रोड है, चलते हुए रोड पे हमें ये भाई साहब दिख गए, पैंट इनकी निकली पड़ी है और इस हालत में है ये यहाँ पे। और ये जब फॉरेनर लोग आते हैं हमारे देश में तो ये सब देख के इनको भी लगता होगा इंडिया भिखारियों का देश है, क्योंकि हर रोड पे हर जगह नशे में ऐसे पड़े हमारे युवा। पता नहीं भाई साहब किस स्टेट से आए हैं, काम करने आए होंगे, लेकिन आज देख लो किस हालत में पहुँच गए हैं। और ये सिर्फ नशे की वजह से है कि हमारा युवा कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। इन्होंने खुद भी नहीं सोचा होगा इनकी ज़िंदगी ऐसे सड़कों पे ऐसे नंगे बदन पड़ी होगी, बिल्कुल होश नहीं है कौन है कहाँ है। भाई साहब गुड मॉर्निंग, पानी पी लो। खाना खाया आज आपने? क्या बात बताओ। अरे अंकल जी क्या होता, प्यासा बैठा हो? सर मिठाई चर्ची है, आप अपन जाइए, मिठाई चर्ची है। अरे नशे तो सब कर रहे हैं अंकल जी, कोई बात नहीं, इसकी गलती थोड़ी है, कोई ना कोई मजबूरी रही होगी इसकी नशे करने की। खाना मंगवा दे आपके लिए? नहीं मर जाओगे भाई ऐसे तो। पियो पानी थोड़ा सा, पी लो। नहीं जाए यहाँ से, जाए, कोई मदद चाहिए आपको? कुछ भी नहीं चाहिए, पानी रखो अपने पास, भूख लगी है आप खा लोगे, पैसे हैं आपके पास खाना खाने के लिए? अरे भैया आपके बड़े भाई जैसे हैं, बताओ पैसे हैं आपके पास खाना खाने के लिए या नहीं है? नहीं है तो कोई मदद कर देंगे आप, बताओ। आपकी मदद के लिए बैठे हैं यहाँ पे, वीडियो ही बढ़िया वीडियो बनाए, ऐसा लग रहा है अच्छे घर के लड़के हो, मजबूरी में पड़े हो यहाँ पे ऐसा लग रहा है। दिल्ली में हो ना आप? दिल्ली में पड़े हुआ। ये लेटे हो भाई सड़क पे, हमें लगा भूखे प्यासे पड़े होंगे, पूछ लेते हैं आपसे। चलो भाई ठीक है, ये भाई साहब कोई रिस्पांस नहीं देना चाहते, भाई साहब कोई मदद नहीं चाहिए, क्या कर सकते हैं। पर आप लोग अगर किसी को देखते हैं इस हालत में तो प्लीज इग्नोर ना करें, हर जीवन कीमती है, हर जान कीमती है, ये भी किसी का लाडला है, इसके भी माँ बाप इसके वेट कर रहे होंगे, बट ये नशे की चपेट में पड़ गए हैं यहाँ पे, अगर इसके घर वाले से देख पा रहे हैं तो प्लीज आके बचाएं।